योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गड्ढा फ्री करने के लिए मिशन चलाया था। अब इस मिशन की डेट एक्सपायर होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क पर गड्ढे ढूंढ लिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नाकाम सरकार, जुमलेबाज हुक्मरान। पहली खबर, 30 नवंबर तक प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। दूसरी खबर, 30 नवंबर की तारीख आकर चली गई, पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र में ही नहीं भर पाए सड़कों के गड्ढे। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जीरो का रुख करते हैं मैनपुरी से। हमारे साथ में अनिल के अंकुर स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कि आखिरकार सड़कों के गड्ढे कितने भरे या फिर गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। अनिल के अंकुर जी, आप जिस सड़क पर इस समय मौजूद हैं, क्या वो गड्ढा युक्त है या गड्ढा मुक्त है? देखिए पूजा जी, मैं बता दूं, मैं मैनपुरी में हूं। ये मैनपुरी वो इलाका है जो मतलब समाजवादी पार्टी पर का बहुत लंबे समय से गढ़ रहा है, और इस मतलब मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक यहां पे सांसद रहे हैं और उनकी सरकार भी कई बार यहां पर रही है, उत्तर प्रदेश में रही है। अब आपको बता दें, जो गड्ढा मुक्त की बात है, जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ वो रोड कचहरी रोड कही जाती है। ये कचहरी रोड आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसके ठीक बगल में ये एक रोड जो अंदर जा रही है वो रोड अंदर गड्ढे से युक्त है। आपको दिखा दें वहाँ पे रोड में गड्ढे गड्ढे हैं, तो ये बड़ी मिक्स व्यवस्था है। जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि 70% से ज़्यादा गड्ढे भर दिए गए हैं और कुछ ही दिनों में बाकी पूरा कर दिया गया। उन्होंने लक्ष्य रखा था आज तक का, वो 30 नवंबर तक का वो तारीख खत्म हो गई है, लेकिन अधिकारियों का दावा है काम जारी है और जल्द ही पूरा काम कर लिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये मुलायम का गढ़ है और समाजवादी सहभाई परिवार का गढ़ है, यहाँ पे आपको क्या लगता है? भैया आपका नाम क्या है? कन्हैया चौहान। क्या लगता है यहाँ सड़कों का? सड़क ठीक है जी, सड़क ठीक है जी। भैया आपको क्या लगता है? सड़क का गड्ढा मुक्त है। सड़क कैसी है? सही है। सही है। ये गड्ढे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको? अभी तक यहाँ पे काफी गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढे का कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है? ये जो गड्ढे वाली बात आप कर रहे हो, गड्ढे जो है कागजों पे भर दिए गए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, आपका कहना है धरातल में नहीं हुआ है, केवल कागजों में भर गए, केवल कागजों में जो है गड्ढे भर गए। अच्छा अच्छा, तो ये गढ़ तो मुलायम सिंह का है, सफाई परिवार का है, तो ये सांसद रहे हैं, सांसद कोटे से उन्होंने काम कराया होगा, क्या हुआ काम हुआ नहीं? सांसद कोटे से जो काम हुआ है उसको जो है 7-8 साल बीत गए, 7 साल बहुत बीत गए, लेकिन जो ये दिखाई देता है ये उनकी नीति से ही जो है बने हुए हैं सब। और जहाँ पे जो है गड्ढे हैं वो जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं वो उनका काम है। आपको भैया बताइए आप जी, यहाँ पे कहते हैं गड्ढे तो है सड़कों में, गांव में आप चले जाए कहते हैं स्थिति सही नहीं है। सपा सरकार में यहाँ पे गढ़ माना गया लेकिन कोई विशेष काम नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि गड्ढे पूरे भर दिए गए हैं, वो दावे कर रही है। नहीं, योगी सरकार में काम हुआ है लेकिन जो सपा वाले अपने कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया मैनपुरी में, ऐसा 7 साल से तो 6.5 साल ऊपर 7 साल अगर सरकार अगर काम नहीं हुआ होता तो यहाँ पे गड्ढे हो गए होते। अगर आपने मैनपुरी का हाल जाना, मैनपुरी वो क्षेत्र जहाँ पर इस समय घमासान देखने को मिल रहा है। पवन का रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से, पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है? काम जारी है और जनता हलकान नजर आ रही है या फिर उनको कुछ राहत है? पूजा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं। यहां से कुंवर ब्रिजेश जो मंत्री है लोक निर्माण विभाग के, देवबंद क्षेत्र से आते हैं, हमारी उनसे पहले भी बात हुई थी गड्ढा मुक्त को लेकर, जब वो यहाँ एक प्राइवेट कार्यक्रम में आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि जल्दी गड्ढे भर दिए जाएंगे। लेकिन पूजा, मैं आपको बता दूं, उस वक्त जब हम देहात में जाते हैं तब गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है, कई कई गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन कई बदहाल हालत है। मैं जहां खड़ा हूं अभी काफी गड्ढे हैं,
और चार तरफ गड्ढे ही नजर आएंगे आपको। लेकिन मेरे पीछे एक सड़क बनती हुई आ रही है जो लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाई है, और लेकिन जहां खड़ा हूं वहां गड्ढे है, और गड्ढे है तो काम चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की सामने ये ढिलाई आ रही है कि वो जो काम तेजी से होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। पूजा, अगर ये सरकार ने 15 नवंबर की थी, फिर उसके बाद 30 नवंबर की, तो 30 नवंबर तक सभी गड्ढे भर जाने चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी है वो ढिलाई बरत रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान भी पहुंचा रहा है। सुरेश का रुख करेंगे, रामपुर से सुरेश जुड़े हुए हमारे साथ में। सुरेश, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल? सियासी तापमान तो हाई है, लेकिन ऐसे में गड्ढों की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है? ये वही सड़कें हैं जहां से तमाम नेता मंत्री इस समय गुजर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बता दूं मैं जिस तरीके से रामपुर सड़कों का, उत्तर प्रदेश में पूरी सड़कों का वो कहा था कि 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। रामपुर की पॉलिटेक्निक सड़क है, लगातार यहाँ से लोग चलते हैं, नेता भी जाते हैं, और इससे कुछ ही दूरी पर एक वृद्धाश्रम भी है जहां लगातार लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन यहां की सड़क में इतना गड्ढा है कि अगर बात करेंगे लगभग 1.5 फीट का एक एक गड्ढा है, और सड़क गड्ढा मुक्त तो दिखाई नहीं देती, लेकिन गड्ढे में सड़क जरूर दिखाई देती है। मैं बता दूं यहां के जो बासिंदे हैं वो भी काफी समय से परेशान होंगे कि ये सड़क लगभग देखा जाए तो कम से कम 10 साल से नहीं बनी है। ये बीजेपी की 5 साल गवर्नमेंट रही है कि गड्ढा मुक्त का दावा करते हैं, कहीं भी कोई गड्ढा मुक्त नहीं जाता। हमारे साथ जो यहाँ के काफी समय से बुजुर्ग एक हैंगे, उनसे बात करता हूँ और किस तरीके की यहाँ सड़क। जी हाँ, बहुत टाइम तो साहब कहा गए ये सड़क नहीं बनी है और हम लोग बहुत परेशान है। हाँ, और हर आदमी हर व्यक्ति है ना का परेशान है, गड्ढे कागे बहुत ज्यादा है पूरी सड़क पे। तो कितनी परेशानियां होती लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, रोड बहुत चल रहा है। ये कितने समय से है ये लगभग आगे इसको 5-6 साल हो गए। कोई नेता वगैरह कुछ नहीं? अच्छा, बीजेपी की सरकार बनी 5 साल रही, वो कहती है गड्ढा मुक्त है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह गड्ढे बंद कर दिए गए, सड़क अच्छी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। के औलख साहब है आगे बोल, रात में निकलते हैं, उनको भी कुछ नहीं देखते। बिल्कुल, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, सियासी घमासान में सब अपनी जान जरूर झोंक रहे हैं। सुरेश जुड़े हमारे साथ में रामपुर से। चलिए रुक करते हैं फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद से हमारे साथ में इस समय दीपक मौजूद हैं। दीपक, का क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आप महसूस कर पा रहे हैं, सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है? पूजा, मैं बिल्कुल जैसा बता दूं, मैं अभी NH2 जो फिरोजाबाद का है नेशनल हाईवे नंबर 2 पर उस तक खड़ा हुआ हूं। आप ये मेरे पीछे देख भी सकते हैं, मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि यहां पर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। जबकि अगर हम बात करें आगे प्रतिनिधित्व की, तो यहां पर सांसद भी भाजपा से है, और पिछली अगर सरकार की हम बात करें जो यूपी की सरकार पिछली बार थी, वहां पर हमने ये देखा कि 4-4 भाजपा के विधायक थे, लेकिन फिर भी हालात जब के तस बने हुए। आज से 4 दिन पूर्व जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, तो ऐसे इतने काम किए गए कि जो काम पिछले 6 महीने में नहीं हो सकते थे वो 24 घंटे के अंदर किए गए। लेकिन फिर भी आज की स्थिति ये बनी हुई है कि आज भी रोड की जहाँ हाईवे होने के बावजूद ये टूटा पड़ा हुआ है, तो आप समझ सकती है कि किस तरह पास में सत्यता हो सकती है। जी पूजा, बिल्कुल, आपके पीछे जो हाईवे है उसको हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि हाईवे पर डामर तो नहीं, लेकिन हाँ गड्ढा और मिट्टी जरूर नजर आ रहा है। चलिए मैनपुरी का रुख करते हैं। अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। अनिल के अंकुर जी, आपके साथ में तमाम लोग भी इस समय मौजूद हैं, उनका क्या कहना है कि अगर कोई सरकार, कोई प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सड़कों की सुविधा लोगों को नहीं दे पा रहा है, तो वो पसंद किसको कर रहे हैं? देखिए, एक अहम सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ की जन सुविधा नहीं दे पा रहा है, जो सड़क है, सुरक्षा है, पानी है, जो है नहीं दे पा रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप जनप्रतिनिधि को दोबारा होना चाहिए? नहीं बिल्कुल, क्या था अगर ऐसी सरकार ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि कई सालों से यहाँ रेगुलर चुन के आ रहा है किसी एक पार्टी का, तो वहाँ काम नहीं दे पा रहा है, व्यवस्था नहीं सही हो रही है, कानून व्यवस्था ढंग से लोकल में नहीं हो पा रही है, तो जनप्रतिनिधि को हटा देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुन के आना चाहिए जो ऐसा काम ना करे, जो काम करे उसी को चुनना चाहिए। जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो गांव गरीब किसान की सुने। नेताजी हमारे जनप्रतिनिधि थे, लेकिन नेताजी ने कभी मैनपुरी में आने का काम नहीं किया, यहाँ के लोगों को काम सौंपा, उनके प्रतिनिधि बनकर के लोगों ने काम किया, उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, अपने लोगों के गांव तक, अपने लोगों के घरों तक सड़कें बनवाई। आज भी मैं दिखा सकता हूँ जिले में जहाँ गाँव के लिए सड़क नहीं है, जब बिजली नहीं है। क्या किया नेताजी ने? नेताजी की गलती नहीं, नेताजी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके काम करने वाले प्रतिनिधि थे,
उन्होंने जनता के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। आपको क्या लगता है भाई साहब, काम हो गया हुआ? देखिए काम तो आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रही है। सड़कें जो बनी है कैसी है बनी है, मतलब जनप्रतिनिधि सड़कें बनवाई नहीं बनवाई, ऐसा प्रतिनिधि दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए जी? जो जिस पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे थे लोकसभा में, उनके साथ सड़कें अच्छी नहीं बनी, ऐसी शिकायतें। उनका काम दिख लिया है, उन्होंने काम बहुत किया नेताजी ने जी, उन्होंने काम बहुत किया है जी। भैया आप बता रहे काम बहुत किया है, आप बताइए। नहीं, वो ऐसा कोई काम नहीं हुआ यहाँ जो होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ जात पात पे ही काम किया है। जात पात पे काम हुआ है जी, यहाँ पे जात का विशेष क्या था, फैक्ट्री चला है, गुंडे ही होती थी, खुला प्लाट हमारा, कब्जे होते थे प्लाटों पर, गलियों में लड़कियां छेड़ी जाती थी, गले से माता बहनों की चैन लूटी जाती थी। आज कहाँ है वो गुंडे? आज गुंडे जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है? यहाँ गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, लाइन ऑर्डर ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब बहुत ही कम हो गया इस समय। आपको क्या लगता है? गुंडागर्दी में कोई कमी नहीं है दरअसल पे, ये कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अंधभक्त टाइप के हैं, वो जो है इस चीज को विकास करने वाले जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे जी, अब तो उनका जो काम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ऐसे प्रतिनिधि की पार्टी दोबारा मैनपुरी में जितना भी विकास है वो सब नेताजी की देन है। नेताजी की देन है, जितना विकास है नेताजी की देन है। आपको लगता कहना है जितना विकास है नेताजी की देन है? नहीं नहीं, जो विकास किया वो बाबा जी ने कराया है, बाबा जी कराया जी। अगर विकास यहाँ पे, अगर नेताजी ने कई बार मुख्यमंत्री बन के आए तो यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाती, यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती, पानी की व्यवस्था हो जाती। इस सरकार में घर घर जल योजना चल रही है, घर घर पानी की व्यवस्था हो रही, गांव में आप चले जाइए, हर घर गांव में टंकी की व्यवस्था हो रही है। वापस आऊंगी अनिल के अंकुर, यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आगरा से प्रदीप। प्रदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जब हम आगरा की बात करते हैं तो ताज नगरी वैश्विक नगरी है आगरा, और ऐसे में सभी का फोकस आगरा में रहता है, लेकिन क्या सरकार का फोकस आगरा की सड़कों पर है, उन्हीं सड़कों पर जिन पर टूरिस्ट चलते हैं? पूजा बता दें कि बीते दिनों यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आए थे, और उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए थे कि एक एक सड़क की मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन इस समय मैं ईदगाह से एमजी रोड जो कि आगरा की लाइफलाइन कहा जाती है और उस सड़क पर हूँ, आप देखते हैं गड्ढे इतने भरे भयंकर गड्ढे हैं यहाँ पर कि अगर अंधेरे में कोई अन्य शहर का कोई यहाँ पर नागरिक आ गया तो आप समझ में दुर्घटना होना तय है। और मीडिया खबरों के अनुसार लगभग 50% से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार शासन इसके ऊपर निगरानी बना हुआ है, बावजूद अधिकारियों पर जू तक नहीं रह गई है। और ये सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से वैश्विक नगरी है आगरा, यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी नियमित रूप से आते हैं। और अभी मैं जो कि निवर्तमान कप्तान और अब कमिश्नर हो गया है, आवास हो गया है, वो पूरी की पूरी गड्ढा से भरी पड़ी है। ऐसे शहर है ताज नगरी आगरा में तमाम ऐसी सड़कें हैं, और जनता टीवी ने ऐसी सड़कों को दिखाया भी है और उनका कुछ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी भी 50% से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढों से भरी पड़ी है और जहाँ पर दुर्घटनाएं नियमित रूप से देखी जाती हैं, चाहे वो कमला नगर का क्षेत्र हो, सदर बाजार हो, या एमजी रोड, क्योंकि लास्ट लाइन कही जाती है एमजी रोड पर ही आप गड्ढे देख सकते हैं। और अभी दो दिन पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी निकले हैं, बावजूद इस पर गड्ढे देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सरकार का बड़ा सिरदर्द इस समय, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि साहब गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो मामला पूरा गड्ढा युक्त है।